साथ तीन युवक गिरफ्तार। पीसीबी एसओजी का सफल ऑपरेशन। समुद्र किनारे सुनसान जगह से कई बार मिल चुका है चरस। समुद्र पार आखिर कौन कर रहा है चरस का काला कारोबार? गुजरात राज्य में जिस तरह से चरस एमडी ड्रग्स बरामद किए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि माफियाओं में अब खौफ नहीं रह गया है। यही वजह है कि अलग अलग रास्ते से चरस, कोकीन, एमडी ड्रग्स को सप्लाई करने वाले मुख्य माफिया कौन है और किसके इशारे पर यह काला कारोबार गुजरात राज्य में खड़ा कर रहे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चार करोड़ की चरस के साथ तीन युवकों को पीसीबी एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हजीरा की कंपनी में कार्य करता था। सूरत शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ पुलिस की ओर से नो ड्रग्स इन सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुछ समय पहले हजीरा के समुद्र तट से भारी मात्रा में चरस मिली थी। इस चरस को दो युवकों ने समुद्र तट पर एक सुनसान जगह पर दबा दिया और बाद में अन्य लोगों के साथ मिलकर इसे बेचने के लिए लाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा घोटाला सामने आया। इस मुद्दे पर सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी हजीरा और दूसरा अडानी कंपनी में काम करता है। एसओजी और पीसीबी की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रामदेव विस्तार में कोई आदमी चरस बेचने का धंधा कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ने काम किया और जतिन एलियास जग्गू सन ऑफ गिरीश भाई भगत, जो कीर्ति नगर सोसाइटी रामनगर के पास रामदेर का रहने वाला है, उसको पुलिस ने पकड़ा। उसके पास से करीब 2.173 किलोग्राम, सवा बे किलो ने आशे चरस मली आवे लती। आई सबनी पूछपरछ करवा मावी। इससे जब पूछपरछ की गई तो इसको बताया कि इसके दो मित्र जो हजीरा और जहांगीरपुरा विस्तार में रहते हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने बताया कि एसओजी पीसीबी को सूचना मिली थी कि रांधेर इलाके में चरस बेचने की फिराक में जतिन उर्फ जग्गू को रांधेर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 2 किलो से ज्यादा की मात्रा में चरस बरामद की गई है। यह आरोपी पहले भी हत्या समेत 2 अन्य अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है। अफीम की मात्रा हजीरा के नीलम नगर में रहने वाले पिंकेश और अभिषेक द्वारा दिए जाने की बात सामने आई है। दोनों दोस्त हजीरा समुद्र पर घूमने आए थे। अधिकांश चरस के पैकेट हजीरा के एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में दबा दिए गए थे, जिसमें से 2 पैकेट बिक्री के लिए ले जाए गए थे। जमीन में छिपाई गई चरस की मात्रा की खुरदरा बिक्री की गई। चरस की मात्रा 4 करोड़ से अधिक की आंकी गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए प्रति किलो है। पुलिस की सतर्कता के कारण शीघ्र ही चरस की मात्रा पकड़ ली गई। आरोपियों द्वारा इसे 1 ग्राम 2 ग्राम के रूप में बेचा जा रहा था। जमीन में दबी बाकी मात्रा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुवाली बीच से पहले भी इस तरह के चरस के पैकेट मिल चुके हैं। इस तरह की घटना को लेकर पुलिस मछुआरों से लगातार संपर्क में है। इसी वजह से ये बात सामने आ रही है कि पुलिस को चरस समेत नशीले पदार्थों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। इस तरह के किसी भी षड्यंत्र को, जिसमें सूरत में ड्रग्स लाने का कोई आदमी प्रयास करेगा, इसको निष्फल बनाने के लिए पुलिस भी कार्यरत है। फिशरमैन वॉच ग्रुप, कोस्टल विस्तार में रहने वाले सब लोगों के साथ हमारे संघन संपर्क हैं और हम आशा करते हैं कि नो ड्रग्स इन सूरत सिटी की जो मुहिम है वो इसी तरह से पूरी ताकत से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी।
दूसरी ओर गुजरात में गणपति विसर्जन के दिन गांधीधाम पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन का पर्दाफाश कर 80 किलो कोकीन जब्त किया, जिसकी कीमत मार्केट में 800 करोड़।